आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। भंडारा जिले में कोरोना के मामले बढ़ने व घटने का सिलसिला अब भी जारी है। उसी प्रकार 11 नवंबर को 46 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और 75 मरीजों ने डिस्चार्ज पा लिया है। अब तक भंडारा जिले में 9,264 मरीज कोरोना की चपेट में आए थे, जिनमें से 8,294 मरीजों ने कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 739 मरीज एक्टिव होकर उन पर उपचार चल रहा है और अब तक कोरोना के चलते 231 मरीज जान गंवा चुके हैं, लेकिन आज एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। पाए गए 46 मरीजों में भंडारा तहसील के 21, मोहाड़ी के 6, तुमसर के 5, पवनी के 4, लाखनी के 3, साकोली के 5 और लाखांदुर तहसील के 2 व्यक्तियों का समावेश है। जिले में कोरोना का रिकवरी रेट 89.52% और मृत्यु दर 2.49% बताया जाता है। वर्तमान में जिले में कोरोना का खतरा अब भी बना हुआ है। पूरे विश्व में कोरोना के वैक्सीन पर रिसर्च के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ जुटे हुए हैं और जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती तब तक संक्रमण ना बढ़े इसका विशेष ध्यान रखना होगा, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही हर नागरिक की जिम्मेदारी है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और Google Play Store से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।